मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। एएसआई ने कोर्ट में सर्वे की 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की और इसमें इस बात का जिक्र खास तौर पर किया है कि उन्हें सर्वे में 1700 से अधिक अवशेष और प्रमाण मिले हैं। एएसआई की टीम ने 98 दिनों तक भोजशाला का सर्वे किया और इसमें जीपीएस और जीआरएस समेत कार्बन डेटिंग की मदद से सर्वे किया गया है, यानी कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से ये सर्वे किया गया है और इसमें 1700 अवशेष मिलने का जिक्र किया गया है, 1700 प्रमाणों का जिक्र किया गया है, 2000 पन्नों की ये कुल रिपोर्ट है और ये हाईकोर्ट में एएसआई की टीम ने पेश कर दी है। और भोजशाला एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर एक बड़ी खबर है। वकील विष्णु शंकर जैन का बयान आया है, उन्होंने कहा कि हमारा केस बहुत मजबूत है। विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है इससे हमारा केस और मजबूत हो जाता है। इस रिपोर्ट के बाद हमारा जो केस है और पुख्ता हुआ है और साबित हुआ है। और बेसिक तौर पे हम जो कहना चाहते हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, शारदा सदन है, और यहाँ पे गलत ढंग से हमारे मंदिर परिसर को तोड़ के उसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। संस्कृत की ऋचाएँ हैं, खंबे हैं, पिलर्स हैं, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं, मूर्तियाँ हैं, ये सारी बातें 98 डेज के सर्वे में उभर के सामने आई हैं। और यही बात मुझे लगता है एएसआई रिपोर्ट में भी मेंशन की गई है। 98 डेज का सर्वे हुआ है, 2000 पन्ने की रिपोर्ट है और अब हम आगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को इस मामले में स्टे लगाया था उसको वेकेट करने की मांग करेंगे। इस मामले को लेकर के मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा है कि प्लेस जो वर्शिप एक्ट बार करता है कि दोबारा से इस तरह के किसी जगह का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल सकता, लेकिन आपका ये कहना है कि एएसआई संरक्षित स्मारक है इसलिए इसमें ये लागू नहीं होता। नहीं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में स्वयं लिखा हुआ है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो वहाँ पे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। और एएसआई, मैं आपको बताना चाहता हूँ विद अटमोस्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी कि एएसआई ने इस मॉन्यूमेंट को एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया हुआ है 1952-1953 में, तो तब से आज तक ये एएसआई संरक्षित मॉन्यूमेंट है, इसलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। ये एक्ट में भी स्वयं लिखा हुआ है, इसलिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तर्क है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं। और भोजशाला पर रिपोर्ट को लेकर वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने क्या कहा, ये भी सुनते हैं। पहली याचिका हिंदुओं की तरफ से जो मैंने दाखिल की थी तो बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है और ये बात आज रिपोर्ट से साबित हो गई है, प्रमाणित अच्छी तरह हो गई है, कोई इसको काट नहीं सकता कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था और वेद शास्त्र संस्कृत धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहाँ होता था और उस जगह पर केवल हिंदू और हिंदू पूजा ही हो सकती है। Z News.